नमस्कार, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स सीरीज के सेकंड पार्ट में। जैसा कि आपको याद होगा, फर्स्ट सीरीज में भी हमने कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी। डिटेल में हमने डिस्कशन किया था कि उनसे और कौन कौन से सवाल पैदा हो सकते हैं। तो आज उसी सीरीज की अगली कड़ी में इसी को हम जारी रखेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है सेकेंड सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर सेप्टेम्बर 2023 का जो नोट है उसका क्या बनेगा। देखिए, आपको ध्यान में होगा मीडिया में काफ़ी खबरें आ रही हैं, काफ़ी डिस्कशन हो रही है, हल्ला मचा हुआ है कि गवर्नमेंट ने 2000 रुपये का जो नोट है दोबारा फिर से बंद करने की घोषणा की है। और इससे हम लोगों को जो पुरानी नोटबंदी है जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, एक बार फिर से उसकी हमें याद आ गई है। हालांकि इस बार डर का जो माहौल है इतना नहीं है, क्योंकि सरकार ने रीअश्योर किया है, लोगों को आश्वासन दिया है कि कोई डरने की बात नहीं है। और वैसे भी जो 2000 के नोट हैं वो बहुत अमीर लोगों के पास होते हैं, आम व्यक्ति की जेब में होते नहीं बहुत ज़्यादा, तो इतनी डरने की बात भी नहीं है। डीमोनेटाइजेशन वैसे पहले भी हुआ है, 2016 में दोबारा फिर हुआ था। अभी अच्छा था या बुरा था इसकी बात तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, अभी इतना समय नहीं हमारे पास, फिर कभी वक्त मिलेगा तो ज़रूर बात करेंगे अच्छा था या बुरा था। लेकिन सरकार ने जब ये बड़े नोट बंद किए 2016 में, तो एक नया नोट जारी किया था 2000 रुपये का। अब ये क्यों जारी किया था हमें भी आज तक ये समझ नहीं आई बात कि भाई जब आप ब्लैक मनी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ा नोट आप क्यों जारी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा नोट जारी करके तो ब्लैक मनी को संभालना और भी आसान हो जाएगा। खैर, सरकार के पास तब भी जवाब नहीं था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, और अब जब ये बंद कर रहे हैं बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं है। तो एकदम से घन चक्कर है कि शुरू आपने क्यों किया, बंद आपने क्यों किया। सरकार अब ये कह रही है कि टेम्पोरेली, जो उनका अपना लॉजिक है कि टेम्पोरेली लिक्विडिटी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, कि देश में ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नोट बंद हो गए थे तो इसलिए हमने थोड़े सालों के लिए 2000 का नोट जारी किया था। अब ये कर रहे हैं इसको बंद, तो लोगों में काफ़ी हड़कंप है। तो सरकार ने लोगों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में भी सितंबर 23 की जो डेडलाइन है, यानी इस डेट तक आप बैंकों में जमा करवा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कहा है कि ये लीगल टेंडर ही बना रहेगा। यानी आपका करेक्ट आंसर है डी फॉर डेली। तो ये लीगल टेंडर क्या है, इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है, आगे भी आएगा आपको कि लीगल टेंडर क्या होता है। तो नोट कर लीजिए, मान लीजिए आपने सरकार को कोई टैक्स देना है, आपने रोड टैक्स देना है, या सरकार से आपने कोई प्लॉट खरीदा उसके पैसे देने हैं, आपने कोई ईएमआई भरनी है, कोई फाइन देना है, और आपकी पेमेंट है 1 लाख की। तो आप क्या करते हैं कि 50 पैसे के सिक्के इकट्ठे करके एक बोरी में भर के आप ले जाते हैं, या आप क्या करते हैं कि 1 लाख की पेमेंट है 1 रुपये के सिक्के बोरी में भर के ले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपके जो 50 पैसे के सिक्के हैं, जो रुपये का सिक्का है या नोट है रुपये का, ये वैसे तो लीगल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में है तो आपने कोई गुनाह कर दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है, आरबीआई की ओर से जारी हुआ। लेकिन इसकी कानून की भाषा में जो 50 पैसे का क्वाइन है, एक लिमिट तक ही आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज 50 पैसे का क्वाइन इज नॉट अ लीगल टेंडर। यानी टोटल आप 10 रुपये तक का अमाउंट 50 पैसे के हिसाब से लेके जा सकते हैं। यानी 10 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 20 आएंगे। यानी 20 तक के सिक्के सरकार लेने को बाध्य है, वो लेगी ही लेगी आपसे। उसके बाद अगर आप सिक्के लेके जाते हैं तो भाई साहब आपको मना कर सकती है, उसके पास पावर है, वो ले भी सकती है, मना भी कर सकती है। इसी तरह से 1 रुपये के सिक्के हैं, इनकी भी एक लिमिट लगी हुई है कि भाई साहब इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, इससे ज्यादा आप मना कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अपने आप में करेंसी गलत नहीं है, लेकिन उसको लेने वाला मना कर सकता है एक लिमिट के आगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखिए कि जो 2 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट हैं, या 10 रुपये के नोट हैं, 100 रुपये के नोट हैं, 200 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, ये सारे के सारे लेने से कभी भी कोई मना नहीं कर सकता। यानी इनको आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में दे सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन ये जो 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये का क्वाइन है, इनको लेने से कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई बैंक या आपका जो क्रेडिटर है वो मना कर सकता है, उसके पास ही पावर है। लेकिन अब ये अजीब सी बात सामने आई है, सरकार ने नोट कहा है कि हम बंद करने जा रहे हैं, और अब ये भी बोला है कि नहीं भाई साहब सितंबर के बाद भी ये नोट जो है लीगल टेंडर रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, ये अभी समझ से बाहर की बात है कि एक ओर तो सरकार नोट बंद कर रही है और दूसरी ओर कह रही है कि भाई साहब ये लीगल टेंडर बना रहेगा। खैर, अभी आने वाले दिनों में इसके बारे में क्लैरिटी होगी। तो नोट कर लिए कि लीगल टेंडर क्या होता है, ये 2000 का जो नोट है ये लीगल टेंडर बना रहेगा, इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे,
लेकिन फिलहाल इसको बैंकों में जमा करवाने को बोला गया है। सो दैट इज द लीगल टेंडर आइडिया। अगर आपको पेपर में सवाल आए तो आप ये लिखेंगे कि लीगल टेंडर वो करेंसी है विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, विच कैन नेवर बी रिफ्यूज्ड फॉर पेमेंट, कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, ये वर्ड्स आपने यूज करने हैं। लीगली स्पीकिंग कोई बंदा मना नहीं कर सकता, वो लीगल टेंडर होगा अनलिमिटेड क्वांटिटी में, और अगर लिमिटेड है तो वो लीगल टेंडर नहीं है। तो ये तो हो गया आपका पहला सवाल। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको सवाल पूछा गया है कि ये जो एब्रीविएशन है PMGKAY, इसका क्या अर्थ है, किस चीज से ये जुड़ी हुई है। तो पहले तो हम नोट कर लें कि इसका मीनिंग क्या है पूरा, तो वहीं से हमें समझ आ जाएगा कि किससे जुड़ा हुआ टर्म है। हमारा मीनिंग निकलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कल्याण अन्न योजना। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड दे दूं। दरअसल एक ना और स्कीम है, बहुत ही मिलता जुलता नाम है उसका, उसको बोलते हैं PMGKY, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ध्यान से दोबारा सुने, ओवरऑल एक पुरानी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसी का ही पार्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसका जो संबंध है, दरअसल ये जो गरीब लोग हैं उनको सस्ता या फ्री राशन देने से है। हुआ ये था दरअसल कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार सत्ता से बाहर जा रही थी, लगभग ये बात है दिसंबर 2012 के आसपास की बात है, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पास किया था इंडिया में, जिसको बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नोट कर ले ध्यान से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा सस्ते राशन का प्रोग्राम है, और इसके तहत प्रोविजन ये है कि भारत के गांव में 75% लोग और अर्बन एरियाज में 50% लोगों को सस्ते राशन दिए जाएंगे। और जिन लोगों को सस्ता राशन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आ चुका आपके पेपर में, उनको क्या बोला जाता, ध्यान दीजिए, वो ऑप्शन में लिखेगा पुअर हाउसहोल्ड। पुअर हाउसहोल्ड नहीं लिखा गया, राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड, यानी जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जिनको यहां पर सस्ता अनाज दिया जाना है उनको क्या बोला गया है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो आप देखिए, 75% अगर रूरल एरिया में है, 50% अगर अर्बन एरिया में है, तो इन दोनों को मिला के लगभग भारत की जनसंख्या का तकरीबन 67% कवर्ड है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 140 करोड़ लोगों में से अगर 67% कवर्ड है तो कितना बड़ा, लगभग मतलब ये कोई 95 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन। दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी का ही प्रोग्राम है। और इसमें है क्या, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो के रेट पर सस्ता अनाज दिया जाता है। 1 रुपया रेट होगा जो कोर्स ग्रेन्स हैं, यानी मोटे अनाज हैं, जवार, बाजरा, रागी वगैरह। 2 रुपये किलो वीट का रेट है और 3 रुपये किलो राइस का रेट है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति महीना मिलता है, पर पर्सन 5 kg अनाज प्रति व्यक्ति प्रति महीना। यानी अगर 4 लोगों का परिवार है तो उनको 5 किलो के हिसाब से 20 किलो अनाज मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, फ्री नहीं है, सस्ते दामों पे काफी। ये जो नई योजना थी ये इसी के ऊपर बनाई गई थी। आप ध्यान दें, अगर कोरोना अप्रैल 2020 में आया था तो गवर्नमेंट को लगा कि लोग बाग अब लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे हैं, काम का छूट गया है, कमाने का कोई साधन नहीं है, तो गरीब लोगों पर बहुत प्रेशर है। तो इस प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो ये योजना चल रही पुरानी, ये तो चलेगी, हम इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज और देंगे। और उस जो एडिशनल अनाज दिया जा रहा उसका नाम ये रखा गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या कहा कि जो पुराना अनाज मिल रहा था वो तो मिल रहा था, इसके अलावा हम आपको प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने एक्स्ट्रा देंगे। तो ये जो योजना है पुरानी वाली योजना के ऊपर बनाई गई है। तो नोट कर ले, क्वेश्चन आ भी चुका है वैसे पहले। तो ये तो बात रही आपके सेकंड क्वेश्चन की। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें बनता है वो बनता है डी फॉर दिल्ली, यानी इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम है, यानी गरीब लोगों के कल्याण की ये योजना है। तो आपका राइट आंसर बनेगा इसमें डी फॉर दिल्ली, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो स्लाइड, हाँ, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा पॉवर्टी रिमूवल, पॉवर्टी रिलीफ
प्रोग्राम, यानी डी फॉर डेली, ये वाला आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड स्लाइड पे देखते हैं हमारे लिए क्या है। आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में डेफिनेटली आने के चांसेस हैं क्योंकि इस चीज़ की बहुत चर्चा रही है पास्ट में। लिखा है विद रेफरेंस टू अ कंपनीज शेयर्स, किसी कंपनी के शेयरों की अगर बात करें, टेकिंग अ रिवर्स पोजिशन इन द फ्यूचर्स मार्केट। अभी हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, पिछला पार्ट पहले पढ़ते हैं, आसानी से समझ आएगा। एज अपोज टू द वन टेकन इन द फिजिकल मार्केट टू रिड्यूस द पोटेंशियल लॉसेस, यानी पीछे से शुरू कर ले, आसानी से आपको समझ आने वाला है। टू रिड्यूस लॉसेस, यानी शेयर बाजार में जो आपको घाटा होने वाला है किसी कारण से, उसको आपने करना है कम। यानी आपने मान लीजिए शेयर बाजार में आप करते क्या है, आपने मान लीजिए एक 100 रुपए का शेयर खरीदा और खरीद के आपने डिलीवरी ले ली, यानी आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ गया, पूरे पैसे आपने दे दिए 100 रुपए और शेयर, एक शेयर आपके खाते में आ गया, आप ओनर हैं, फिजिकल डिलीवरी इसको बोला जाएगा। यानी जब आप पूरा पैसा देते हैं, पूरा माल लेते हैं, ये फिजिकल डिलीवरी है। और नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, रिटेल बंदा तो ऐसा ही करता है, 100 रुपए का शेयर लिया और आपको लगता है कि 2 साल के बाद भाई साहब ये शेयर पहुंच जाएगा 500 पे, तो आप करते क्या है, यू ट्राई टू बाय चीप एंड सेल डियर, आप सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज स्ट्रैटेजी अधिकतर लोग हम में से अडॉप्ट करते हैं, इसको हम इनकी भाषा में बोलते हैं गोइंग लॉन्ग, यानी आप सस्ता खरीद के महंगा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिजिकल डिलीवरी है। लेकिन ये तो आपने सोचा, अच्छी बात है कि 100 वाला शेयर 500 का हो जाएगा, लेकिन ये तो आपने सोचा ही नहीं कि 100 वाला शेयर जिसकी आप 500 पे जाने की उम्मीद कर रहे हैं, अगर कल को 50 का हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो आपका बड़ा जबरदस्त घाटा होगा। अब आपके दिमाग में एक स्कीम आ गई, भाई देखो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए कि घाटा कम हो। अब अगर आप गाड़ी का एक्सीडेंट का जो नुकसान है वो बचाना चाहते तो आप क्या लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, घर की इंश्योरेंस करवाते हैं, गाड़ी की करवाते हैं, अपनी करवाते हैं, नुकसान ना हो। इसी तरह से जो आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है, इससे आपका लॉस ना हो, इसको कवर करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए ये थी फिजिकल मार्केट, अब एक और मार्केट है जो वर्चुअल मार्केट है, जिसमें सिर्फ एग्रीमेंट पे ट्रेडिंग होती है। देखिए बहुत डिटेल में तो शायद हम नहीं जा पाएंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन उस मार्केट को बोला जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में बिल्कुल उल्टा चलता है, आपने करना है घाटा काम, जो काम आपने यहां किया बिल्कुल उल्टा आप वहां करेंगे ताकि आपका घाटा कम हो जाए। जो काम आपने यहाँ किया, क्या किया था, सस्ता खरीदा महंगा बेचना है, अब आप क्या करेंगे, उल्टा यहाँ पे दूसरी मार्केट में करेंगे ताकि आपका लॉस मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, अब ये जो काम आपने किया घाटा कम करने के लिए, इसको बोला जाएगा हेजिंग। आप घर के बाहर झाड़ी लगाते हैं तो आपका घाटा ही कम होता है ना, कोई चोर उचक्का या अनवांटेड पर्सन या कुत्ता वगैरह नहीं आता, आपका घाटा कम होता है। तो याद रखिए, हेजिंग से कमाई नहीं हो सकती, हेजिंग आपको प्रॉफिट दिलाने का तरीका नहीं, हेजिंग आपके मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस, ये करने का तरीका है, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस, इस काम के लिए आप करते हैं। तो दो डीलिंग होती है हेजिंग में, एक आप डिलीवरी ले लेते हैं, सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं, लेकिन चूंकि इसमें लॉस हो सकता है, इसको कवर करने के उल्टा जो डीलिंग है आप फ्यूचर मार्केट में करते हैं। बस आप इतना याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा हेजिंग। अब आते हैं हम बाकी चॉइसेस की ओर, स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में आप जानते हैं, कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया कि हेजिंग में इन्वॉल्व है। तीसरा आपने लिखा है फॉरेन ट्रेडिंग, जो कि गलत ऑप्शन है, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं बनता। इनसाइडर ट्रेडिंग हमारा लास्ट पॉइंट है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है घर का भेदी लंका ढाए, सिंपल भाषा में घर का भेदी लंका ढाए, यानी कंपनी के अंदर का कोई व्यक्ति है, उसको कंपनी के प्रॉफिट के काम के बारे में कुछ सेंसिटिव जानकारी मिली हुई है और वो बंदा बाहर उसे लीक कर देता है, दोस्त को बता देता है, फोन पे बता देता है, मीडिया में बता देता है, और उससे होता क्या है कि और व्यक्ति फायदा उठाते हैं, वो शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं, मुनाफा कमाते हैं,
इस तरह का जो काम होता है ये बैंड है इंडिया में, बाकी जगह भी बैंड है लेकिन चलता है बाजार में। इस चीज को बोला जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी अंदरूनी व्यक्ति ये काम करता है। घर का भेदी लंका ढाए, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, बी भी रॉन्ग ऑप्शन है, डी भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा हैजिंग। मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि पीछे काफी चर्चा में है, तो किस मामले में चर्चा में है वो आपको पूछा जाएगा सवाल। आपको याद होगा पिछली सीरीज में हमने, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अडानी की, और हमने दो टर्म्स का जिक्र किया था। हमने कहा था शेल कंपनी है, राउंड ट्रिपिंग करती है। थर्ड जो चीज आरोप लगा था इस पे वो अब आ रहा है। हिंडनबर्ग ने आरोप क्या लगाया था, हिंडनबर्ग ने क्या किया था, उन्होंने अडानी के शेयर के बारे में वो रिपोर्ट जारी करने के बाद क्या किया था, उन्होंने की थी शॉर्ट सेलिंग, अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, जो दूसरा पार्ट हमने डील का लिखा है, महंगा बेचना, पहले ही महंगा बेचना, बाद में सस्ता खरीदना। अब आप देखिए कोई चीज अगर आप 500 की पहले ही आप बेच दे, बाद में 100 की खरीद ले, जब वो नीचे चले जाए तो भी प्रॉफिट तो आपको 400 का हो गया। आप कहेंगे कि अगर आपके पास कोई चीज है ही नहीं तो आप खरीद कैसे सकते हैं, यही फ्यूचर्स मार्केट होती है। इसी को ही हम फ्यूचर्स मार्केट बोलते हैं कि पहले बेचिए बाद में खरीदिए। तो खैर डिटेल में मैं आपसे नहीं जा पाऊंगा, ये जो काम है हिंडनबर्ग ने किया था और उन्होंने मोटा प्रॉफिट कमाया है। अडानी के शेयर जब ऊंचे दामों पे थे उन्होंने बेचे हैं, और जब रिपोर्ट आई तो वो नीचे चले गए, फिर उन्होंने खरीदे हैं, यानी मुनाफा कमाया है। तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, और वो हेजिंग से मिलती जुलती चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैजिंग में दो डील होती है और शॉर्ट सेलिंग में एक डील होती है, लेकिन दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, हम देखते हैं क्या है। द एक्रोनिम EMV, ध्यान से नोट करें EMV, और ये क्वेश्चन आपके पेपरों में रिपीटेडली बारी बारी आ चुका है। तो EMV का पहले पूरा नाम जान लेते हैं, वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि EMV का मतलब क्या है, EMV किससे जुड़ा हुआ है। तो EMV का मतलब लिख लीजिए, EMV का मतलब है यूरो मास्टर वीजा, यानी जो मेजर कार्ड इशू करने वाली कंपनियां हैं मिलजुलकर उन्होंने एक नए टाइप का कार्ड बनाया है। देखिए ऐसा है, अगर आप अपनी जेब से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड निकालें तो आपको पता है उसके पीछे एक चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर ही आपकी सारी जानकारी दी हुई है। जो ATM की मशीन है वो उस चिप को ही पढ़ती है, तभी उसको आपका नाम और सारी डिटेल मालूम पड़ता है। उस चिप की कॉपी करना बड़ा आसान काम है। आजकल आपको पता है कि बेईमान लोग बहुत हैं, चोर उचक्के बहुत हैं, वो करते क्या है, वो कार्ड क्लोनिंग मशीन ले लेते हैं, यानी डुप्लीकेट कार्ड बनाने वाली मशीन को बोलते हैं हम कार्ड क्लोनिंग मशीन, और उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है चोरी करके इसमें डालते और नया कार्ड बना लेते। यानी आपकी चिप की जानकारी चोरी की, मशीन में डाली, नया कार्ड बना लिया, और उसके बाद आपको पता ही क्या होना है, यानी आपका जो कार्ड उनके हाथों में चलेगा, जो वो उनका मन है वो करेंगे, पैसा निकालेंगे, खर्चेंगे, ऐश करेंगे। उसकी कॉपी बहुत जल्दी हो जाती थी पुरानी चिप की, लेकिन अब इसका ध्यान करते हुए इन तीनों कंपनियों ने मिलजुल के एक नई चिप बनाई है जिसकी कॉपी बहुत ही मुश्किल बनती है। तो वो जो नई चिप है आजकल लगभग सारे नए कार्ड्स में आनी शुरू हो गई है, उस चिप को बोला जाता है, नोट कर ले, EMV, यानी यूरो मास्टर वीजा, इन तीनों कंपनियों की बनाई है। सो द करेक्ट आंसर देयरफॉर इज बैंकिंग, दैट इज डी फॉर दिल्ली। चलते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। द नेशनल क्वांटम मिशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और इंडिया के हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ है उसी समय जब दुनिया भर में भी काफी हॉटली इस पे रिसर्च चल रही है, वरना अधिकतर मामलों में दुनिया में रिसर्च पूरी हो चुकी होती है तब हम उसमें एंटर करते हैं। तो शायद ये पहला प्रोजेक्ट है कि बिल्कुल सही समय पे आए हैं, और गवर्नमेंट ने इस पे खूब सारा अमाउंट खर्चा है, लगभग 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसको प्रॉमिस किया है। अब ये है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉर्मल जो आपका कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है, आपका जो घर का कंप्यूटर है, ऑफिस का कंप्यूटर है, वो सारे के सारे करते हैं बाइनरी पे काम, यानी आपका कंप्यूटर हिंदी अंग्रेजी नहीं समझता, वो 0 और 1 की भाषा समझता है। उसके अंदर जो आप इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं कंप्यूटर उसे 0 या 1 के तौर पे पढ़ता है, यानी ये है बाइनरी सिस्टम, और जो आप इन्फॉर्मेशन उसमें फीड करते हैं छोटी सी छोटी, उसको बोला जाता है बिट, BIT, बिट।
बाइट इससे बड़ा होता है काफ़ी, बिट सबसे छोटा होता है। तो इनकी स्पीड की एक सीमा है, एक हद तक ये काम कर सकते हैं। अब आपको चाहिए ऐसे कंप्यूटर कई मामलों में रिसर्च में जो इनसे करोड़ों अरबों गुना तेज काम करे, तो फिर बिट से काम नहीं चल सकता। तो नए कुछ कंप्यूटर बने हैं जिनके बारे में हमने लिखा है, वो है क्वांटम कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उनको हम? क्वांटम कंप्यूटर। और जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, याद रखिए, वो बिट पर काम नहीं करते हैं, नॉर्मल प्रोसेसर पर काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं क्यूबिट पर। लिख लीजिए QUBIT, क्यूबिट यानी क्वांटम बिट। ये नई प्रकार का कंप्यूटर है, यानी ये सुपर कंप्यूटर का भी बाप है। सुपर कंप्यूटर अच्छा होता है लेकिन वो काम तो बिट पे करता है, बड़ा अच्छा प्रोसेसर होता है लेकिन है तो वो बाइनरी सिस्टम। लेकिन जो क्यूबिट है ये एक अलग ही कैटेगरी है, और ये जीरो और वन पे काम नहीं करता, बाइनरी पे काम नहीं करता। और इसकी साइंटिफिक बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, तो आने वाले दिनों में इस पे इंडिया में भी काफ़ी रिसर्च होने वाली है। मेडिकल साइंस में इसकी एप्लीकेशंस है, न्यूक्लियर रिएक्टर में है और चीज़ों में है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। एक और इसमें चॉइस हमारे डिस्कशन ज़रूरी होनी चाहिए, और वो आपने लिखा है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। आजकल बड़ी चर्चा है, आप शार्क टैंक भी देखते होंगे, उसमें भी बातें होती हैं स्टार्टअप्स की। तो ध्यान दीजिए कि जो स्टार्टअप होता है, कोई भी नया बिजनेस हो वो स्टार्टअप ही होता है। बेशक आप कोई चाय का ठेला भी लगा लें कहीं, तो वो स्टार्टअप ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आईटी का ही होना चाहिए तभी आप उसे स्टार्टअप बोलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और यूनिकॉर्न क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका आपके पेपरों में। तो यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी को बोला जाता है जिसका मिनिमम जो मार्केट वैल्यूएशन है, ध्यान दें मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मार्केट वैल्यू की, वो कम से कम $1 बिलियन हो। और एक बिलियन का मतलब 100 करोड़, और $1 बिलियन में कितने रुपए होते आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 82 रुपीज़ का डॉलर है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू बन गई कम से कम 8200 करोड़ रुपये। ध्यान दें 8200 करोड़। कोई भी यूनिकॉर्न कंपनी वो होगी जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 8200 करोड़ रुपए है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए। अब चलते हैं अगले सवाल पे। छठा सवाल है, जियोलॉजिकल सर्वे हैज डिस्कवर्ड लीथियम। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा रही है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि इंडिया में कोई लीथियम फिलहाल नहीं होता, यानी इस डिस्कवरी से पहले कोई लिथियम नहीं था। और लिथियम हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जितने भी आपके मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, सब में ही ये जो लिथियम की बैटरी इस्तेमाल होती है। तो इंक्रीजिंगली क्योंकि हम डिजिटल की ओर जा रहे हैं, तो सब में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। और लिथियम इंडिया में है नहीं, इंडिया अपनी आप अंदाज़ा लगाइए सारे का सारा जो बैटरी है वो आता है चाइना से, और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया की 75% जो लिथियम बैटरी है वो चाइना एक्सपोर्ट करता है। लेकिन चाइना में वैसे लिथियम होता नहीं है, रॉ लिथियम चाइना में जीरो है, बिल्कुल कोई नहीं होता, ये तो और देशों से मंगवाते हैं, ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से, चिली से मंगवाते हैं, और इंडिया में भी बिल्कुल नहीं है। और हम लोग चाइना से बनाते हैं, हम लोग चाइना से बैटरीज मंगवाते हैं, और काफ़ी सारे हमें पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो अब दो जगह पे हमारे पास लिथियम नया डिस्कवर हुआ है, ये आप नोट कर लें। एक तो आपने लिखा है देगाना, ये तो है राजस्थान में, तो करेक्ट आंसर आपका बनता है डी फॉर दिल्ली। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है जहाँ पे हमें डिस्कवर हुआ, वो है रियासी, और ये जगह पड़ेगी जम्मू एंड कश्मीर में, अभी 2-3 महीने पहले डिस्कवरी हुई थी। तो दोनों को नोट कर लें, रियासी है J&K में और देगाना है जम्मू और कश्मीर में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को, वो इंडियन हो, वो सिटीजन हो, वो फॉरेनर हो, या कोई दुश्मन देश का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार। आपको याद होगा भारत में मुंबई टेरर अटैक हुआ था, हमने अजमल कसाब को पकड़ा और उसने बकायदा 66 लोगों को गोली मारी, हमारे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, फिर भी हमने उसको सीधा फांसी पे नहीं चढ़ाया, बिकॉज हमारे हिसाब से ही हैज़ द राइट टू लाइफ, उसको जीने का अधिकार है। जब तक कानून ना बोले तब तक उसकी जिंदगी उससे नहीं ली जा सकती। तो आर्टिकल 21 आपका क्या बोलता है? आर्टिकल 21 आपका ये बोलता है कि भारत में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, एवरीबडी हैज द राइट टू लाइफ, नोबडीज लाइफ कैन बी टेकन अवे। क्या लिखा है? नोबडीज लाइफ कैन बी टेकन अवे, किसी की जिंदगी नहीं छीनी जा सकती,
एक्सेप्ट बाय लॉ, जब तक कानून ना कहे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाकी पॉइंट्स की ओर देखते हैं। आर्टिकल 19 आपको पता है, 6 फ्रीडम्स इसमें शामिल हैं, बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी वगैरह वगैरह वगैरह। तो 6 फ्रीडम्स है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिए। आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी, कानून के आगे समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के आगे सब समान है, कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। ऑफकोर्स हर बार ऐसा होता नहीं है, बट कम से कम कागजों पर ऐसा ही है। आइए 29 पे चलते हैं। ये हैं माइनॉरिटीज़ के स्पेशल राइट्स। इंडिया में जो हिंदूज को छोड़ के सब लोग माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे अपने स्कूल बना सकते हैं, अपने तरीके से चला सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, इस तरह के इनको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं, वो 29 में है। और 22 आपका क्या बोलता है, राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, यानी पुलिस बिन बात के किसी को पकड़ ले, अरेस्ट कर ले और बताए ही ना कि आपको क्यों पकड़ा है, उसके लिए कुछ स्पेशल राइट्स हैं। जैसे आपको अधिकार है कि बताया जाए आपको क्यों पकड़ा है, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाना चाहिए, अदरवाइज आपको छोड़ देना चाहिए, इस तरह की कुछ बातें इसमें कही गई हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है इसमें आर्टिकल 21, दैट इज ए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द WHO हैज डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ विच डिजीज ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड, लगभग पूरी दुनिया में ये बीमारी खत्म हो चुकी है। तो ये तो आपको पता ही है कि कोरोना तो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाइना में फिर से वो सर उठा रहा है अपना, अमेरिका में भी चल रहा है, थोड़ा इंग्लैंड में भी है और इंडिया में भी कम है। तो किसी भी हालत में कोरोना तो आंसर हमारा बिल्कुल नहीं बनता है, ये तो खत्म नहीं हुआ। इबोला एक बार बीच में स्टॉप हो गया था, हालांकि डिस्कवर तो बड़ा पुराना हुआ, 1976 में ये डिस्कवर हुआ था कांगो में, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत फैटल है। मतलब कोरोना इतना फैटल नहीं, जानलेवा नहीं जितना इबोला है। मतलब इबोला का तो आप समझिए कि जो डेथ रेट ही 70-80% है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ये भी वायरल है और ये दोबारा फिर से अब सिर उठा रहा है, तो कुछ हद तक अफ्रीका में आपको मिलेगा। जीका वायरस भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है और स्वाइन फ्लू तो आपको पता है, आप हांगकांग की बात करें, ताइवान की बात करें, चाइना की बात करें, ये वहाँ काफ़ी फैलता रहता है स्वाइन फ्लू, और हमारा जो कोरोना है वो भी लगभग इसी कैटेगरी का वायरस है। तो बेस्ट आंसर आपका बनता है पोलियो, दो देशों को छोड़ के, तभी हमारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लिखा है। दो देश अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे चल रहा है पोलियो, और एक का नाम है पाकिस्तान, नोट कर ले, ये सवाल आ चुका है पेपर में आपके। और दूसरा हमारा पॉइंट है अफगानिस्तान का, इन दो देशों को छोड़ के सारी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है, और भारत को भी पोलियो मुक्त होने का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो WHO ने दिया हुआ है। तो ये आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज रिकमेंडेड एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम विच कंट्री। तो पहले मैं आपको आंसर दे देता हूँ, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानने वाली कि ये एंटी डंपिंग क्या बला होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। आपका वैसे करेक्ट आंसर बनता है डी फॉर दिल्ली, यानी चाइना पर भी ये रिकमेंड हुई है ड्यूटी, और साउथ कोरिया पे भी रिकमेंड हुई है। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ काम आता है? देखिए, हमारी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो ऑप्टिकल फाइबर पर ही चलती है। जो हमारी कम्युनिकेशन है, टेलीकॉम नेटवर्क है, सारा इसी पे चलता है। आपने देखा होगा ज़मीन के नीचे बहुत सी कंपनियों ने अपने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखे हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है मोबाइल की सारी उसी के ज़रिए चलती है, और बहुत से कंपनियां इंडिया के वहां से इंपोर्ट कर रही हैं। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि आप भाई साहब इन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए, तो जानने की कोशिश करते हैं ड्यूटी होती क्या है। देखिए, मान लीजिए चाइना की कंपनी है, वो 5000 रुपये का एक स्मार्टफोन बनाती है, वही फ़ोन इंडिया में एक कंपनी बनाती है जो 10,000 का पड़ता है। अब देखिए, चाइना में कॉस्ट एडवांटेज है, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग है, वो 5,000 का बना लेते, हम 10 का बनाते। अब इंडिया में 10 का फ़ोन ही बिक रहा है, लेकिन अचानक क्या होता है कि चाइना की जो कंपनी बना रही है वो धड़ाधड़ अपना माल जो है ना इंडिया में डंप करना शुरू कर देती। क्यों? क्योंकि उसको चाइना में ग्राहक नहीं मिल रहा, चाइना में सबको फ़ोन बेच दिए, अमेरिका में सबको बेच दिए। अब उसको लगता है इंडिया बहुत बड़ा बाजार है, इतनी पॉपुलेशन है, तो इंडिया में फ़ोन को पटक दिया, डंप कर दिया। किस रेट पे? 5,000 पे। अब आप देखिए, अगर चाइना से फ़ोन 5,000 का आएगा, इंडिया में 5 का बिकेगा, तो जो हमारे डोमेस्टिक फ़ोन बनाने वाले हैं, जो 10,000 का फ़ोन बनाते हैं, वो तो चिल्लाएंगे
उनका माल कौन खरीदेगा, वो तो पिट जाएंगे, लुट जाएंगे, वो जाएंगे सरकार के पास कि भाई साहब ऐसा है इसका इम्पोर्ट करो बंद, हम तो मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट कहेगी भी ऐसा है कि हम फ्री देश हैं, इम्पोर्ट तो बंद नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि जो ये पटक रहे ना माल को, डंपिंग कर रहे हैं अपने माल की, और डंपिंग क्या है मैं आपको डिफाइन करता हूँ, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डंपिंग इज सेलिंग योर गुड्स एट लेस देन कॉस्ट प्राइस इन ए फॉरेन कंट्री। सिंपल, बड़ा क्लियर डेफिनेशन है, सेलिंग गुड्स एट लेस देन कॉस्ट प्राइस फॉरेन कंट्री में। अगर किसी फॉरेन देश में अपनी लागत से कम दाम पर माल बेच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि माल बिक जाए, बस कुछ पैसा मिल जाए, वो होगा डंपिंग। तो चाइना कर रहा है डंपिंग, और जो WTO के रूल हैं उनके मुताबिक अगर आप शिकायत करें उनको और अगर ये साबित हो जाए तो आप उसका, चाइनीज का जो माल है उस पर लगाएंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी एडिशनल टैक्स लगा देंगे, और फालतू टैक्स लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो क्या होगा, जो 5,000 का फोन था वो महंगा हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा तो नहीं बिकेगा। इट्स वेरी सिंपल, आपने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो आप क्या लगाएंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग क्या होती है नोट कर लें, ट्राइंग टू सेल योर स्टफ एट लेस देन कॉस्ट प्राइस इन ए फॉरेन कंट्री, ये है डंपिंग, और ये WTO के हिसाब से क्राइम है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और आपके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। चलिए आज के लास्ट सवाल पे चलते हैं, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बीइंग डेवलप्ड, यानी भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल जो गांव है वो कहां बनाया जा रहा है। तो नोट करें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कार्बन को आप कार्बन मत पढ़िए। अब आप कहेंगे कार्बन लिखकर तो हम तो कार्बन ही पढ़ेंगे, देखिए ऐसा है, ये कार्बन नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कार्बन न्यूट्रल का मतलब है एक ऐसा काम करना जिसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होती। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा निकलेगी वातावरण का उतना ही नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग उतनी ही ज्यादा होगी। तो दो संभावनाएं हैं, या तो आप कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ही मत करिए, जीरो है टोटल। यानी मान लीजिए आप घर में अगर दफ्तर जा रहे हैं तो बजाय गाड़ी लेके जाने के जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जब पेट्रोल जलेगा, आप पैदल चले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है वो कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं हो रही। लेकिन दूसरा ये भी है कि आप गाड़ी तो लेके चले गए, अब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ 10 यूनिट का हुआ, मान लीजिए 10 यूनिट का एमिशन हुआ, लेकिन घर आके आपने ऐसा कुछ किया कि जो 10 यूनिट हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए, कैसे, आपने पेड़ पौधे लगा दिए, या आपने एक ऐसी मशीन घर पे लगा ली कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एब्जॉर्ब कर लेती। और बकायदा ऐसी मशीनें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाली मशीनें आती हैं, हालांकि वो महंगी हैं और ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि 10 यूनिट आपने छोड़े डाइऑक्साइड के और 10 ही आपने एब्जॉर्ब कर लिए, तो नेट रिजल्ट तो आपका फिर जीरो निकला। तो दोनों मतलब निकलते हैं, या तो आप छोड़ते ही नहीं हैं, या फिर अगर छोड़ते हैं तो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को बोला जाएगा कार्बन न्यूट्रल। और आपको पता है आजकल ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, बड़ी चर्चा है, तो कार्बन न्यूट्रल एक्टिविटी की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको बहुत सी नई बातें पता चली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे जो पेपर में आ सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।